एम्प्लॉइज और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जम्मू कश्मीर का चोली दामन का साथ चल रहा है। पहले दो एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा और अभी एसएसबी एस्पिरेंट्स सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक प्राइवेट कंपनी जिसको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो ब्लैक लिस्टेड है, तो जम्मू कश्मीर में वो एग्जाम क्यों कंडक्ट कर रही है। इन सारे मुद्दों पे हमसे बात करने के लिए राजेश शर्मा जी हैं जो एसएसबी जम्मू कश्मीर के चेयरपर्सन हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन कंट्रोवर्सीज ये कहां लेकर जा रही हैं एसएसबी को। सर, न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंट्रोवर्सीज का ऐसा लग रहा है कि एसएसबी के साथ चोली दामन का साथ है, दो रिक्रूटमेंट जो हैं वो सीबीआई उसकी इंक्वायरी कर रही है, हालांकि वो एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुके थे। अब ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सी एक प्राइवेट एपटेक जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट कर रही है उसको लेकर, तो क्या सर पूरा माजरा क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताएं सर। इसमें आपको ना एक पहले इसको प्रोसेस को समझिए कि ये इनकी क्रोनोलॉजी क्या है। मार्च 2022 में तीन एग्जाम हुए हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट का, फॉलोड बाय जूनियर इंजीनियर सिविल, फॉलोड बाय सब इंस्पेक्टर। ये तीनों एग्जाम कैंसिल हो गए, इनमें कुछ रिपोर्ट्स आई, एक सरकार ने हाई कमेटी बिठाई, हाई पावर कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन में ये एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने के बाद सीबीआई को दिया जाता है, ये यही सरकार देती है, यही लोग देते हैं, चेयरमैन भी यही है। हाँ, चेयरमैन भी यही है और रिकमेंडेशंस भी शायद मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, रिकमेंडेशंस भी सरकार कुछ बोर्ड की भी लेती है कि आपने क्या किया इसमें, और असिस्टेंट्स भी इंक्वायरी कमेटी को यही बोर्ड प्रोवाइड करता है और यही स्टाफ करता है जो आज है। अब उनमें अगर कुछ पाया गया तो पेपर कैंसिल किए गए, क्योंकि सरकार या बोर्ड इस चीज में रखता है बिलीफ कि कोई भी गलत बच्चा नहीं आना चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से और जो मेहनती है मेरिट के हिसाब से आ जाए। अब उसके बाद एक नया प्रोसेस शुरू होता है कि भाई ओएमआर में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होती है बाहर से, जम्मू कश्मीर में प्रिंटिंग नहीं होती है, ये बाहर के हैं जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, और ये सारे प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये एक वल्नरेबल कंपोनेंट बन जाता है, आपको बाई रोड लाना है, इवन बाई एयर लाएंगे, रिस्क रहता है, तो उसके चलते ये डिसाइड किया जाता है कि हम अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक तो ये रीजन है जिस कारण करवाएंगे, और दूसरा ये रीजन है कि हर एडवांस कंट्री में, इवन हमारे देश में जो हमारी मेजर रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, दे हैव शिफ्टेड टू सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये मेथड अडॉप्ट करेंगे हम। उसके लिए कहा जाता है कि भाई हम क्या करेंगे, क्योंकि हम भी पूरी तरह से परिचित नहीं है इस चीज से, हम एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं और इन कंपनी से इंटरेक्ट करना चाहते हैं जो कंपनीज एग्जाम कराती है। उसके चलते हमारे पास नौ कंपनियां आती हैं, उनसे हम सारा इंटरेक्ट करते हैं, मैं भी उस इंटरेक्शन में शामिल था, और समझते हैं कि ये क्या प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस समझने के बाद हमने क्या किया, एक टेंडर निकाला प्योरली एज पर जीएफआर रूल्स और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस के हिसाब से। उसमें कुछ कंपनीज आती हैं, पहला टेंडर आता है उसमें कोई भी कंपनी क्वालिफाई नहीं करवाती है, एक कंपनी ऐसी आती है जो ऑलमोस्ट क्वालिफाई करती है, एक्सेप्ट एक डॉक्यूमेंट उसका प्रॉब्लम थी जिसमें वो एफिडेविट उसने नोटराइज दिया था, मैजिस्ट्रेट का नहीं था। परचेज कमेटी जो सरकार ने बनाई थी, सीनियर लोग थे उसमें, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थे, वो रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी है तो हम इसको रिकमेंड करते हैं कैंसिल करके नया फ्लोट करो, हमने कर लिया। उसके बाद पांच कंपनीज आती हैं टेंडर में, पांच में से जब हम इवेल्यूएशन करते हैं, जो टेंडर है हमारा वो कॉस्ट कम सिलेक्शन बेस्ड टेंडर है जिसमें कास्ट और टेक्निक टेक्नोलॉजी दोनों को कंसिडरेशन करते हैं और दोनों को वेटेज दी जाती है, दैट इज डिफाइंड एज जीएफआर। तो जब ये कंपनीज करते हैं, दो कंपनियां पहुंचती है हमारी फाइनल स्टेज पे, उनको हम असेस करते हैं टेक्निकली कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, एक को चार नंबर यहां से मिलेंगे, आठ नंबर यहां मिलेंगे, उसने कितने एग्जाम कराए हैं, उसके पास कितने कंप्यूटर सेंटर हैं, लाइक दैट। और जब ये सारा हम कर लेते हैं तो उसके बाद उनका फाइनेंशियल स्कोर देखते हैं, जब उनका एग्रीगेट करते हैं, हमारे पास एक कंपनी L1 आती है, हम उस कंपनी को टेंडर दे देते हैं।